गणना लघु चेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुंबकम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संगीत में, भजन में, गायन में मन लगाना बहुत आसान है, विचारों में मन लगाना कठिन है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भले ही कठिन हो लेकिन जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे हमारी प्रगति के लिए। सत्संग, कुछ लोग आज नए दिख रहे हैं मुझे, इसके लिए कह रहा हूं सिंपल। सत्संग का अर्थ क्या है? ये अर्थ को अभी वैल्यू नहीं रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना उपयोग हो गया है उसका कि वो शब्द का वैल्यू ही हम उस शब्द की वैल्यू हम भूल गए हैं। सत्य यानी ईश्वर, भगवान। भगवान को सत कहते हैं। जहां पर ईश्वर नहीं है वो असत। संसार असत है, क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक है, उसमें ईश्वर नहीं है, उसमें चैतन्य तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है सांसारिक चीजों में, इसीलिए वो नाशवंत है। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और एक दिन नाश हो जाएगी, क्यों? उसमें चैतन्य तत्व नहीं है, वो असत है। जो सत है वो परम है, वो आत्म तत्व है, ब्रह्म है, ईश्वर है, और उसका संग करना उसे सत्संग कहते हैं। सत्य की भी बहुत सुंदर व्याख्या है, सतते इति सत्य, जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाएगा वो सत्य। सत्य यानी हम उसका लिटरल ट्रांसलेशन करें तो ट्रूथ, सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग, हम ये समझते हैं। बट हमारे यहाँ शास्त्रों में उसकी बहुत सुंदर परिभाषा की गई कि जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए वो सत्य है, उसे सत्य कहें। और ये राइट और रॉन्ग कैसे सत्य में आ गए? जो सच बात है वो हमें ईश्वर की तरफ ले जाती है, इसके लिए उसको सत्य कहा गया, सतते इति सत्य। तो सत्संग अति आवश्यक है। मनोरंजन के लिए हम कुछ भी करें, कितना भी करें, लेकिन यदि एटलीस्ट सप्ताह में भी एक बार हमारा सत से संग नहीं हो गया तो कहीं हमारा मनुष्यत्व हिलने लगेगा, मनुष्य में से फिर हम पशु के तरफ चले जाएंगे। बायोलॉजिकली तो सभी एनिमल्स है, फर्क क्या है? सत्संग है, हमें ईश्वर की अनुभूति हुई, अपनी दिव्य बुद्धि से मनुष्य ने कल्पना की कि कोई एक सत्ता है, कोई एक पावर है जिसने ये विश्व का निर्माण किया है, और उस सत्ता की, उस चैतन्य की अनुभूति जब से हुई तब से मनुष्य की प्रगति शुरू हुई, तब से धर्म का संस्थापन हुआ। उस तत्व को पकड़कर जब से मनुष्य चलने लगा तब से उसे पता चला कि मेरी बुद्धि विशेष है, मेरा मन ज्यादा पावरफुल है अन्य जीवों से, एक दिव्यता है उसमें। गॉड हैज गिफ्टेड मी विद सुपीरियर इंटेलेक्ट एंड अ पावरफुल माइंड। ये जब अनुभूति हुई तब से मनुष्य की प्रगति हुई, और आज हमने प्रगति को कितना छोटा कर दिया, वेल्थ से डायरेक्टली रिलेट कर दिया। हु इज प्रोग्रेसिव? प्रगति किसने की जीवन में? जिसने ज्यादा वेल्थ अमास की, वो सीमित कर दिया हमने प्रगति को। बहुत विशाल व्यापक टर्म है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत व्यापक टर्म है। बट उसको हमने दो ही चीज में लाके रख दिया, पहले वेल्थ और सेकेंड इंटेलेक्ट। जिसके साथ पास ज्यादा संपत्ति है, जिसके पास ज्यादा बुद्धि है वो प्रगतिशील, ही हैज प्रोग्रेस्ड इन लाइफ। कैरेक्टर को नष्ट कर दिया हमने, कैरेक्टर की वैल्यू ही नहीं, आदमी कैसा है नॉट इम्पोर्टेंट, ही हैज टू बी इंटेलेक्ट, ही हैज टू बी वेल्दी, और ही हैज टू बी पावरफुल। पुलिस का बड़ा हेड हो, आर्मी का हो, सरकार में हो, ही हैज टू बी पावरफुल, देन हिज लाइफ इज सक्सेसफुल। कैरेक्टर को उठा के फेंक दिया हमने, आदमी कैसा है उसकी कीमत ही नहीं है कुछ, इसी को कलयुग कहते हैं। जो गलत है वो सत्य भाषित होने लगता है, समाज में प्रस्थापित हो जाता है, जो गलत है वो सही लगने लगता है और सब उसे फॉलो करते हैं।
तब समझने का कि कलयुग आ गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। कृष्ण भगवान जिस सैन्य में है, साक्षात नारायण, उसके साथ सिर्फ 7 औक्षणीय सैन्य था और दुर्योधन के साथ 11 औक्षणीय सैन्य। सिद्ध करता है ये कि कलयुग आने वाला है। अभी अधर्म के साथ ज्यादा लोग खड़े थे, कई ज्यादा मात्रा में, धर्म के साथ कम लोग खड़े थे। ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि कैसे दोनों सैन्यों के महारथियों को, द्रोणाचार्य को इन्होंने बताया दुर्योधन ने, कि आप समझ लीजिए कि पांडवों के सैन्य में कौन महारथी है और हमारे सैन्य में कौन महारथी है। भवान विश्वश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्थितैवच। अपने यहाँ कौन है? भवान यानी आप है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, समितिंजय जिन्होंने महापराक्रम करके विजय प्राप्त की है, कई बैटल्स में विजय प्राप्त की है वो। अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा चिरंजीव अमर है जो, कृपाचार्य अमर है, ऐसे चिरंजीव योद्धा हमारे पक्ष में है। विकर्ण जैसे संत महात्मा, अपवाद था विकर्ण कौरवों में, जैसे रावण के यहाँ विभीषण था वैसे कौरवों में विकर्ण था, महात्मा आत्मा, महान आत्मा था। सौमदत्त स्थितैवच, सोमदत्त का पुत्र भूरिष्णवा वो भी है। तो इस प्रकार ये श्लोक हमने देखा पिछली बार। अब आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक के तरफ। आगे दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारद। हे द्रोणाचार्य, इन योद्धाओं के जिसके मैंने नाम कहे आपको, उसके अलावा भी बहुत सारे शूरवीर, अन्य च बहवः शूर, बहवः यानी बहुत सारे, च यानी और, अन्य भी और कई सारे शूर है। मदर्थे त्यक्त जीविता, त्यक्त यानी त्याग करना, जीविता यानी जीवन का, मदर्थे यानी मेरे अर्थ, मेरे लिए। तो ये सोचने का विषय है, दुर्योधन के लिए जीवन का त्याग करने वाले कितने सारे शूरवीर उसके पक्ष में थे। क्या हो गया था लोगों की बुद्धि को? कोई सामान्य लोग नहीं थे, राजा थे ये सब, कई राज्यों के राजा थे वो, क्यों फिर दुर्योधन का साथ दे रहे थे? कि गुलाम वृत्ति मनुष्य के अंदर है, दो चीज के आगे अपनी सोचने की शक्ति नष्ट कर देता है मनुष्य, एक संपत्ति और एक सत्ता, वेल्थ और पावर। ये दो चीज जहां होती है वहां लोग फॉलो करते हैं, सही गलत भूल जाते हैं, स्वार्थ और भय, ये दो हमारे अंदर ऐसा है, या तो स्वार्थ से हम फॉलो करते हैं या तो भय से। हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य था, बहुत शक्तिशाली राज्य था, संपत्तिवान वेल्दी राष्ट्र था, अन्य छोटे राजा सब उससे डरते भी थे और उनका स्वार्थ भी था कि उसके साथ मित्रता करेंगे तो हमें फायदा होगा उससे। दुर्योधन भले ही अन्याय कर रहा हो, अपने भाइयों के ऊपर अधर्म कर रहा हो, हमें क्या, हम अपना स्वार्थ देखेंगे, ये भाव तब भी लोगों के अंदर था। द्वापर युग चल रहा था, धर्म के दो पैर टूट गए थे, दो ही पैर पे टिका हुआ था धर्म, लोगों की मति भ्रष्ट होना शुरू हो गया था, सत्य को फॉलो नहीं किया लोगों ने, धर्म को नहीं किया। लेकिन जहां पर शक्ति थी, जहां पर संपत्ति थी, ऐसे दुर्योधन के पक्ष में जाके खड़े रहे। समझ सकते हैं द्रोणाचार्य की मजबूरी थी, उन्होंने आजीवन अन्न खाया था हस्तिनापुर का, तो अब इस विपदा की घड़ी में जब युद्ध हो रहा है वो उसका साथ नहीं छोड़ सकते थे द्रोणाचार्य। भीष्म की भी यही परिस्थिति थी, वचनबद्ध थे वो, हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षण करूंगा आजीवन में, शपथ ली थी उन्होंने, वो भी बंधे हुए थे। लेकिन मन से उनको पता था दोनों को,
दुर्योधन गलत है और अर्जुन सही है, और यही डर दुर्योधन को भी था कि मेरे पक्ष में मेरे जो योद्धा है वो निष्पक्ष नहीं है, कुछ ना कुछ मजबूरी से मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, ये भय था दुर्योधन को। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सभी राजाओं की भूल थी, एक कृष्ण भगवान आगे के देख सकते थे और सोच सकते थे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, भले ही पांच औक्षणीय सैन्य हो पांडवों का, लेकिन उस पक्ष में धर्म है और मैं उसका साथ दूंगा। He had a clear vision, ज्यादा शक्तिशाली ज्यादा धनवान अगर गलत है तो उसका साथ मत दो, ये पहले सीखना चाहिए हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से, महाभारत से। सपोर्ट द राइट इन लाइफ, जो सही है उसका साथ दो, भले ही वो अकेला हो, भले ही निर्धन हो, भले ही शक्ति ना हो उसमें, लेकिन सपोर्ट द राइट, आगे चल के पूरा समाज स्वस्थ होगा जब हम ये करेंगे। यदि उसे उल्टा करेंगे तो पूरा समाज अधर्म के ओर चला जाएगा, शायद तभी से शुरुआत हो गई थी, इसीलिए आगे चल के परीक्षित के मृत्यु पर कलयुग की शुरुआत हो गई। अचानक लोग बदल गए, कलयुग आ गया, अचानक नहीं होता है, धीरे 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 डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज होती है, डिप्लेशन ऑफ ह्यूमन बी कम हो गया, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व ही कम हो गया, तब जाके वो कलयुग आया। आई सीज टू बी अ ह्यूमन, ह्यूमन सीज टू बी ह्यूमन, बायोलॉजिकली मैं मनुष्य हूं पर जो तत्व मुझे मनुष्य बनाता है, जो गुण मुझे मनुष्य बनाता है, वो गुण का त्याग कर दिया मैं, मेरी दुर्बुद्धि के कारण, मेरे स्वार्थ के कारण, मेरे भय के कारण, जस्ट टू फॉलो द पावरफुल, जस्ट टू फॉलो द वेल्दी, पूरे समाज में से सद्गुणों नष्ट हो गए। दिस इज कलयुग, हमारे हमारे अंदर से जब सत्य को फॉलो करने की शक्ति चली जाती है उसे कलयुग समझ लेना। We succumb to wrong, जो गलत हो रहा है हम छोड़ देते हैं, ये तो ऐसे ही चलेगा, पॉलिटिशियन तो सब भ्रष्ट ही होते हैं। क्यों पॉलिटिशियन भ्रष्ट होते हैं? क्योंकि तू घर में बैठा है, तू भ्रष्ट नहीं है तो आ बाहर और काम कर, ये किसी को करना नहीं है, खाली गालियां देनी है। तू ना पॉलिटिकल सिस्टम सड़ गया है और तू देख रहा है पॉलिटिकल सिस्टम सड़ गया, और हम चैन से देख रहे हैं और व्हाट्सएप पे आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या किया हमने? पॉलिटिकल सिस्टम 70 साल में सड़ गई तो कुछ नहीं, देखते रहे हम और चिल्लाते रहे, इसके आगे कुछ भी नहीं। धर्म की भी ऐसी अवस्था है, अन्य धर्मों में इतने कन्वर्जन हो गए और आप देखते रहे, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम। चलो मैं कुछ करता हूं, ये क्यों कोई बोलता नहीं है? मेरे धर्म को टिकाने के लिए हम जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है, वी आर डूइंग समथिंग प्रोएक्टिव। पहले हम समझेंगे भगवत गीता क्या है, इतने उच्च विचार, और फिर हम दूसरों तक ले जाएंगे, ये धर्म को मजबूत करता है। धर्म बिलीफ है, मैं तिलक करूं या ना करूं, उपवास रखूं या ना रखूं, गणेश जी का स्थापन करूं या ना करूं, लेकिन आधी रात को भी उठा के आप पूछो आपके भगवान कौन है, कृष्णम श्री कृष्ण शरणम मम, ये यदि मेरी जबान पे है देन आई एम हिंदू, मेरी श्रद्धा किसके ऊपर है? इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ, नॉट व्हाट आई स्पीक, नॉट व्हाट आई वेयर, नॉट व्हाट आई ईट, व्हाट आई बिलीव, वो मेरा रिलीजन है। और ये बिलीफ सुदृढ़ करने के लिए सत्विचार लेके जाने पड़ेंगे लोगों का, केवल सत्विचार से ही ये बिलीफ सुदृढ़ होगी। हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए, हमारे वसुधैव कुटुंब का भी मोटो होना चाहिए, सत्कर्म सत्ज्ञान और सद्भाव, ज्ञान कर्म और भक्ति, ये तीन, दीज आर फंडामेंटल्स ऑफ आवर लाइफ। सत्ज्ञान सत्कर्म सद्भाव, भाव यानी प्रेम भक्ति, ये तीन चीज मनुष्य के अंदर इंस्टिल करनी चाहिए, तब जाके एक सुंदर समाज की रचना होगी, तब मनुष्य सुखी होगा, तब मनुष्य को और तब हमारी प्रगति आगे। बट यहां पर अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, दुर्योधन जैसा
अधर्मी के लिए जान देने के लिए कितने सारे शूरवीर खड़े थे। उस समाज को कौन बचा सकता है? भगवान को स्वयं आना पड़ता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बड़े बड़े राजा कितने शक्तिशाली, वो भी अधर्म के आगे घुटने टेक दिए, अभी क्या उपाय बचा? कुछ भी नहीं। यदि बच्चा शैतानी करे तो माँ बाप उसे ठीक कर दे, माँ बाप करे तो कौन करेगा? आगे आगे के श्लोक में अर्जुन कहता है भगवान को कि आप कर्मयोग के पहले या दूसरे श्लोक में कहता है कि भगवान आप स्पष्ट कहिए, आप जो मिश्रित वाणी से कह रहे हैं उससे मैं मोहित हो चला हूं कि मैं कर्म करूं या ज्ञान करूं। एक तरफ प्रभु आप कहते हो कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ मुझे कहते हो युद्ध जैसा घोर कृत्य कर। ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अर्जुन वॉज राइट। यदि कर्म से ऊपर ज्ञान है, ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तो भगवान क्यों कह रहा है कर्म कर अर्जुन को, और वैसा भी घोर कर्म, अपने परिवार को मार। तो अर्जुन कहता है कि ऐसी मिश्रित वाणी से आप यदि कहेंगे तो मेरे मन में मोह उत्पन्न होता है, तभी हमें प्रश्न होता है। यदि भगवान की वाणी से मोह उत्पन्न होता है तो हम कहां जाए? हमारा मोह, हमारी द्विधा, हमारी शंकाएं कौन दूर करेगा? यदि भगवान की भी वाणी से मोह उत्पन्न हो रहा है तो एक सॉन्ग था ना, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, जो माझी नाव डुबोए उसे कौन बचाए। ऐसी बात, भगवान की वाणी से मोह उत्पन्न होगा तो हम जाए कहां पर? ये बात। राजाएं जिसे प्रजा को समझाना है, कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है, वो ही भ्रष्ट बुद्धि से दुर्योधन का साथ देंगे तो समाज का क्या होगा? आर्यव्रत का क्या होगा? भारत का क्या होगा? इस कारण ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण को आना पड़ता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो पार्टी पावर में है वो ठीक काम नहीं कर रही है, लेकिन अपोजिशन वाले भी कौन सा काम कर रहे हैं? सभी पार्टियां सेम है, इसका उद्धार कौन करेगा? इसे कहते हैं पूरी सिस्टम ही बिगड़ गई। वी एन ऑप्शन, ऑल आर इन द सेम बोट, ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट। ये बात हो गई। ऐसे वक्त में भगवान को आना पड़ता है, धर्म संस्थापन करते हैं। तो इतने सारे राजा दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, क्यों? उनको पता था शायद विजय यहाँ पर है, बड़ा सैन्य ये है, बड़ा राज्य ये है, इसके लिए विक्ट्री यहाँ पर दिख रही थी, इसके लिए सब लोग उसके पीछे लगे थे, दुर्योधन के पीछे, राइट और रॉन्ग भूल के। तो आगे, नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारद। नाना यानी अलग अलग, ये सभी जो शूरवीर राजाएं हैं अलग अलग अस्त्र शस्त्र में प्रवीण है, युद्ध विशारद है, कितने सारे युद्ध जीत चुके हैं। ऐसे इतने राजा हमारे पक्ष में है, द्रोणाचार्य को बता रहा है दुर्योधन, तो फिर हमें क्यों डरने की जरूरत है? हमारा विजय निश्चित है। शस्त्र अस्त्र के बारे में हमने देखा, जो हाथ में पकड़ के जैसे तलवार गदा इनसे युद्ध करते हैं वो शस्त्र है, और जो फेंकते हैं सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मास्त्र है, फेंक कर जिसे करते हैं वो अस्त्र है। तो शस्त्र अस्त्र में प्रवीण ऐसे विशारद योद्धा है हमारे पक्ष में है। दुर्योधन की ये युक्ति द्रोणाचार्य को उकसाने की संपूर्णतः निष्फल गई। द्रोणाचार्य ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दुर्योधन के शब्दों के ऊपर। वो जानते थे मन में ये क्यों मेरे पास आया है, गुरु थे ये सबके, सबको शस्त्र चलाना इन्होंने सिखाया था, छोटे बच्चे थे तब से सिखा रहे थे। वो नहीं पहचानते थे दुर्योधन कैसा है और अर्जुन कैसा है, दुर्योधन के मन में क्या भाव चल रहा है अभी, सब पता था उन्हें, लेकिन मजबूर थे, हस्तिनापुर से बंधे हुए थे। वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल मौन रहे द्रोणाचार्य, और इससे और दुर्योधन की व्याकुलता बढ़ गई। कहीं गुरु द्रोणाचार्य बायस तो नहीं हो जाएंगे, पक्ष तो नहीं लेंगे अर्जुन का, और हमारे यहाँ ठीक से युद्ध तो नहीं करेंगे यदि मैं हार गया तो? ये भाव मन में आते ही दुर्योधन के मन में एक विचार आता है। दुर्योधन के मन का विचार भी हमें समझ में आता है, क्यों? क्योंकि संजय को वरदान दिया था व्यास मुनि ने कि सिर्फ क्या हो रहा है वो दिखेगा नहीं,
क्या कह रहे हैं भगवान वो सुनाई भी देगा, सबसे बड़ी बात लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी आपको वो भाव पता चलेगा। दुर्योधन के मन के भाव इसके बाद वाले 10वें श्लोक में हम देखेंगे। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दो पक्ष की बात उसके मन में आई, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, अस्माकम यानी हमारा बल, हमारा बल पर्याप्त है, अपर्याप्त है। पर्याप्त यानी जीतने के लिए युद्ध जितना जरूरी है वो पर्याप्त, लेकिन हमारा पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है हमारा बल। भीष्माभिरक्षितम, हमारे सेना का रक्षण कौन कर रहा है, सेना नायक कौन है, सेनापति कौन है, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित जो सैन्य है हमारा कौरव सैन्य, उसका बल अपर्याप्त है युद्ध जीतने को। ये भाव दुर्योधन के मन में आया। पर्याप्तम त्विदमे तेषाम, तेषाम यानी उनका, लेकिन उनका बल पर्याप्त है। भीमाभिरक्षितम, भीम के द्वारा जो सैन्य रक्षित है उसका बल पर्याप्त है जीतने के लिए। ये भाव मन में आ गया दुर्योधन के जब द्रोणाचार्य ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। क्या कारण हो सकता है इसका, यह मैं सिखाता है, कितना भी ज्यादा मसल पावर हो लेकिन माइंड पावर इज मोर पावरफुल देन मसल पावर। कौरव सैन्य में लोगों के जो मन थे वो विभाजित थे, उनमें ऐक्य नहीं था, यूनिटी नहीं थी उनके अंदर। सबसे शूरवीर योद्धा है उनके द्रोण और भीष्म, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर थी, उनको सॉफ्ट कॉर्नर थी अर्जुन के लिए और पांडवों के लिए, क्योंकि उनको पता था वो सही है और दुर्योधन गलत है। दिस मेंटल थॉट, ये कुरुक्षेत्र में दुर्योधन को हराने के लिए पर्याप्त था। कर्ण को भी पता था, भले ही दुर्योधन का मित्र था, दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था, इसके लिए उसके साथ युद्ध कर रहा था कर्ण, लेकिन मन में कर्ण भी जानता था कि पांडव सही है और दुर्योधन गलत है। ये तीन मुख्य योद्धा है, their minds were divided, 100% वो लोग दुर्योधन के साथ नहीं थे, theirs was a divided team, उनके स्वयं के अंदर ऐक्य नहीं था, ये बात कहीं हृदय में दुर्योधन को पता थी, और इसके लिए वो कहता है कि भीष्म के द्वारा रक्षित जो हमारा सैन्य है उसका बल अपर्याप्त है युद्ध जीतने के लिए। उसके मन में आता है अपर्याप्त है। Somewhere, the power of our mind, हमारी मानसिक शक्ति, मनोशक्ति, विल पावर ये काम कर जाता है, मसल पावर से ज्यादा विल पावर काम करता है। जो मन के अंदर एक इच्छा होती है, एक विचार होता है, उसको पूर्ण करने के लिए विल पावर चाहिए। यदि हमारी इच्छा शक्ति, विल यानी इच्छा, विल पावर यानी इच्छा शक्ति, यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो पूरा शरीर काम पे लग जाएगा उस विचार को सिद्ध करने के लिए। इट इज द माइंड हु डिक्टेट्स द बॉडी, शरीर मन को नहीं डिक्टेट करता है, मन शरीर को डिक्टेट करता है। जो मन में इच्छा हुई वैसा शरीर करता है। हम सबको इच्छा हुई सत्संग करेंगे आज, इसके लिए ये शरीर बैठ गया कंप्यूटर के सामने और कुछ नहीं कर रहा है। माइंड इज मोर पावरफुल देन बॉडी, और कुरुक्षेत्र के मैदान में यही मन के अंदर दुविधा थी। लड़ रहे थे दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन हृदय उनका था अर्जुन और युधिष्ठिर का। ये बात जब उसे पता चली दुर्योधन को, तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ कि हमारा तो कहीं डिवाइडेड हाउस है और सामने भीम का, पांडवों का अनडिवाइडेड, everybody was united, के वहां पर स्वार्थ नहीं था किसी को, खुद के स्वार्थ के लिए वो लोग नहीं लड़ रहे थे, वो एक सत्य के लिए लड़ रहे थे। पांचों भाई यूनाइटेड थे एंड दे हैड सरेंडर टू भगवान कृष्ण, पूरा सैन्य उनका
भगवान कृष्ण को सरेंडर समर्पित हो चुका था। जैसा कृष्ण कहेंगे हम करेंगे, ये बात। दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी। भले ही नंबर में छोटे थे लेकिन देवर यूनाइटेड, देवर अनडिवाइडेड। और यही बात ने कौरव सैन्य के मन में भय उत्पन्न कर दिया। भले ही हम ज्यादा है बट हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, भले ही वो कम है लेकिन एक है वो सब। और ये जो एकता है वो भारी पड़ती है, ये जो धर्म है वो भारी पड़ता है, ये जो सत्य है भारी पड़ता है। कितना भी बड़ा हो अत्याचारी लेकिन एक दिन सत्य के आगे झुकना ही पड़ता है। सत्यमेव जयते, हमारे देश का ये वाक्य है, सत्यमेव जयते। एव यानी सत्य का ही, सत्य का ही विजय होगा। सच करना लेकिन हम भूल गए, इट्स अ लॉन्ग टर्म है। इसका फल, सत्य के मार्ग पे चलने का फल बहुत लंबे समय के बाद प्राप्त होता है, और वो मार्ग भी बहुत कठिन है। इसके लिए हमने शॉर्टकट ढूंढ लिए, सब गोल्स प्राप्त, गोल्स अचीव करने हैं बट वो अचीव करने के लिए शॉर्टकट ले लो। कैसे किया कोई नहीं देखता है, जो जीता वही सिकंदर। आपने प्राप्त क्या किया ये इंपॉर्टेंट है, कैसे किया इसके ऊपर विचार ही नहीं। सत्य का मार्ग लंबा है, कठिन है, दुष्कर है, इसके लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है, शॉर्टकट्स ढूंढ लिए। लाइफ में भी शॉर्टकट ढूंढ लिए, हर एक चीज में शॉर्टकट। तो इस प्रकार अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम। चलो भीष्म तो सेनापति थे कौरवों के, लेकिन भीम तो नहीं थे सेनापति, सेनापति तो दुष्टद्युमन थे। तो फिर यहां पर दुर्योधन के मन में भीम क्यों आया? इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। बचपन से कर्ण का प्रतिस्पर्धी जैसे अर्जुन था, वैसे दुर्योधन का प्रतिस्पर्धी भीम था। दोनों का शस्त्र भी एक ही था, गदा। दोनों ही बलराम के शिष्य थे और पहले से ही भीम से भय लगता था दुर्योधन को। और अब तो उसने शपथ ले ली है, दुर्योधन, दुशासन और सभी 100 कौरवों को मैं मारूंगा, शपथ लेके खड़ा था भीम। और उसने करके दिखाया, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि सभी कौरवों का निकंदन अकेले भीम ने निकाला है यहाँ पर। इसके लिए भले ही दृष्टद्युमन कौरव पक्ष के सेनापति थे, लेकिन दुर्योधन को भय किससे लग रहा है? दुर्योधन को भय भीम से लग रहा है कि पांडव सैन्य का मुख्य योद्धा शायद वो अर्जुन को नहीं मान रहा है, वो भीम को मान रहा है, क्योंकि वो उसका प्रतिस्पर्धी था, उसकी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट भीम के साथ हुआ कर। बचपन से वो भीम के पीछे था, भीम को अपने जीवन का कांटा समझकर रास्ते से निकालने के लिए कितने सारे प्रयास वो कर चुका था। इसके लिए यहाँ पर उसके मन में ये आता है कि भीम से रक्षित जो कौरव सैन्य है, पांडव सैन्य है, उसका बल पर्याप्त है युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि वहां पर एकता है, वहां पर धर्म है, वहां पर सत्य है। अकेले कृष्ण, निशस्त्र कृष्ण धर्म के प्रतीक थे, सत्य के प्रतीक थे, और वो अकेले भारी पड़ेंगे पूरे कौरव सैन्य के ऊपर, भले ही शस्त्र ना उठाए वो, सत्यमेव जयते। और इस प्रकार अपने सैन्य का बल, भीष्म जैसा योद्धा उसका रक्षण कर रहा था, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी उसे लगता है कि हमारा बल जो है वो अपर्याप्त है ये जीतने के लिए। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये श्लोक के ऊपर यहां समापन करके हम आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक के तरफ। यदि ये श्लोक के ऊपर कोई क्वेश्चन हो, श्लोक के ऊपर ही, तो वी कैन टेक इट, जस्ट अनम्यूट, ऐसा ना हो कि अंत तक कोई भूल जाए। इसके लिए यदि इफ समबडी हैज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक इट ऑन दीज टू श्लोक्स दैट वी डिस्कस टुडे फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स। I just wanted to know, I didn't understand that part. You said that Duryodhan ko aisa laga ki teen jan uske saath hai hi nahi, matlab there was no unity. So, yeah. He knew it inside that there was no unity. Right.
He was aware that there is no unity. Definitely. They had a soft corner. द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण पांडवों के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था और वो दुर्योधन को पता था. So that's why he doubted कि मेरे तीन मुख्य योद्धा वो 100% मेरे साथ नहीं है. They like Pandavas, तो वो 100% कैसे युद्ध करेंगे. They will not give their best of their abilities. ये भय था उसको. Thank you. Yeah. Ijal bhai Dharani here. Yeah, bolo. What is the difference between Chetan and Chaitanya? Ek hi baat hai. It's the same thing. Yeah, it's same. Both is same. Yeah. And you had said there are three things, right? Tatkarma, Sadbhav and? Sadgyan. Sadgyan. Yeah. Yeh teen humare life ke Bhagavad Gita ke aadhar stambh hai. Gyan, karma, bhakti. भक्ति योग हमने देख लिया. इसके बाद वाला दूसरा अध्याय सांख्य योग है. सांख्य यानी ज्ञान और उसके बाद कर्म योग है. ये तीन अध्याय इसीलिए हमने स्टार्टिंग में रखे कि पहले जो फंडामेंटल है उससे बिगिन करेंगे. तो हमारे जीवन का ये ध्येय होना चाहिए, सत्य ज्ञान प्राप्त करेंगे एंड वी विल शेयर विद अदर्स. सत कर्म करेंगे और सद्भाव डेवलप करेंगे. हमारे सद्भाव सबसे मुख्य है. अच्छी भाव हुए दूसरों के प्रति, अद्वेष भाव, ये जब आता है तो अपने आप हमारे पैर चलने लगते हैं. फिर ये शरीर पूरा सेवा में लग जाता है. जब भाव उत्पन्न होता है ईश्वर के प्रति या ईश्वर के अन्य क्रिएशंस के प्रति, पशु के प्रति, वनस्पति के प्रति, मनुष्य के प्रति भाव उत्पन्न होगा तो हमारे से सत्कर्म होगा और हम सत्ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त. ये हमारा जीवन का मोटो होना चाहिए, सत्कर्म, सद्भाव, सद्ज्ञान, ये तीन. थैंक यू. ओके, थैंक यू. एनीबॉडी एल्स और शैल वी कंटिन्यू? इसके आगे बढ़ते 11वें श्लोक की तरफ. ये जो 11वां श्लोक है बहुत ही छोटा है. दुर्योधन को पता था कि भीष्म पितामह कोई नहीं हरा सकता है, उन्हें कोई मार नहीं सकता है. लेकिन पूर्व जन्म की घटना उन्हें पता थी दुर्योधन को. चित्रांगद और विचित्र वीर्य ये दो भीष्म के भाई थे. उनके पिता शांतनु राजा, उन्होंने सत्यवती देवी मत्स्यगंधा से शादी करके चित्रांगद और विचित्र वीर्य ये दो पुत्र उत्पन्न हुए थे राजा शांतनु को. बट उनको कोई कन्या नहीं मिल रही थी. इसके लिए शांतनु के पहले पुत्र गंगा से जो हुए थे देवव्रत, विश्वावसु थे, वो अलग कहानी है पूरी. तो भीष्म को माता सत्यवती ने कहा कि तेरे भाइयों के लिए स्वयंवर कर रहे हैं काशीराज, उनकी तीन पुत्रियां है, तो स्वयंवर में जाके तो कन्या को चित्रांगद और विचित्र वीर्य के लिए लेके आ, उनसे शादी कर. तो वहां पर भीष्म जाते हैं तो सभी राजाओं ने जो स्वयंवर में आए थे तो सभी राजाओं ने उसका विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो ब्रह्मचारी है, आपने शादी नहीं करने की शपथ ली है, आपके भाई को यदि विवाह करना है तो उनको स्वयं आना चाहिए. और इस प्रकार जब विरोध किया तो इतने सारे राजाओं को अकेले भीष्म ने हराया. अकेले भीष्म ने सभी राजाओं को हरा के तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर लेके आए. और तीन में से एक जो सबसे बड़ी थी अंबा, उसने कहा कि मैंने किसी और से शादी करने का मन कर लिया है, आप मुझे क्षमा करें. तो भीष्म जी ने उन्हें छोड़ दिया और अंबिका और अंबालिका तीन ये थी कन्याएं थी काशीराज की, उनका विवाह चित्रांगद और विचित्र वीर्य. लेकिन जब अंबा उसके होने वाले पति के यहाँ गई तो उसने भी उसको त्याग दिया कि आपका तो हरण हो चुका है, भीष्म आपको जीत कर ले चुके हैं, अभी मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा. वो वापस भीष्म के पास आई. अब मैं कहां जाऊं, मेरे पिता के यहां से स्वयंवर में से मेरा हरण हो चुका है, मुझे जिसे शादी करनी है उसने भी मेरे को त्याग दिया, अब भीष्म आप मुझसे विवाह करो. भीष्म ने कहा मैं बंधा हुआ हूं, मैं शादी नहीं कर सकता आप. तो अभी कहीं की नहीं रही अंबा, तब उसके मन में प्रतिशोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने तपस्या करके भीष्म के मृत्यु का कारण मांगा. उन्हें कहा भगवान ने कि वो तो असंभव है, अच्छा मृत्यु है,
आप उसे नहीं मार सकते, लेकिन एक है आप उसके मृत्यु का कारण बन सकते, बट ये जन्म में नहीं अगले जन्म। उन्हें इतनी उत्सुकता थी कि वहां पर चीता खड़ी करके जलकर मर गई, और दूसरे जीवन में राजा द्रुपद के यहाँ कन्या स्वरूप में वो उत्पन्न हुई, और भीष्म को मारने की उसके अंदर ये थी वैर भाव था, इसके लिए कन्या में से पुरुष बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में शिखंडी स्वरूप में वो प्रस्तुत होती है। शिखंडी वो कन्या स्वरूप में जन्मा हुआ था राजा द्रुपद का पुत्र, और भीष्म को मारने के लिए पुरुष का स्वरूप धारण किया, कैसे किया उसमें हमें नहीं पढ़ना है, बट ये सबको पता था कि दो जन्म से भीष्म को मारने के लिए ही शिखंडी उत्सुक है, और ये शिखंडी यदि पितामह भीष्म के सामने आ गया तो पितामह को पता है ये स्त्री है, उसे मारने के लिए पुरुष का जन्म लिया, वरना स्त्री है वो, और स्त्री के ऊपर वो कभी भी शस्त्र नहीं चलाएगी, तो उसको आगे करके कोई भी पीछे से वार करके भीष्म पितामह को गिरा सकता, ये सबको पता था। इसके लिए विशेष ध्यान पितामह भीष्म के ऊपर कुरुक्षेत्र के मैदान में देने के लिए अपने महारथियों को 11वें श्लोक में इंस्ट्रक्शन देता है दुर्योधन, क्या कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिता भीष्म मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, जो सभी मोर्चों पर आप सब खड़े हैं, जहां पर आपको स्थान दिया गया है वो सभी स्थान के ऊपर से आपका ध्येय केवल एक ही होना चाहिए, या पितामह भीष्म का रक्षण करेंगे, उसको इस तरह से घेर के आगे युद्ध करेंगे आप कि कोई भी उसके सामने ना आ सके, कोई भी के पीछे, संकेत किसके तरफ था, शिखंडी के तरफ, यदि शिखंडी को सामने करके पीछे से किसी ने वार किया तो पितामह अपने डिफेंस में एक भी तीर छोड़ेंगे नहीं, वो गिर जाएंगे लेकिन स्त्री के ऊपर वार नहीं करेंगे। इसके लिए एक सिंपल श्लोक दुर्योधन कहता है 11वें श्लोक में कि आप जहां भी खड़े हैं वहां से केवल सेनापति का रक्षण कीजिए, एक भूल से भी शिखंडी को पितामह के सामने लाकर युद्ध करना पांडव शुरू ना करते, बस इतनी सी बात है ये श्लोक क्या, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता, जहां पर भी आप खड़े हो, जो भी मोर्चे पर आप खड़े हो, सभी योद्धाओं को दुर्योधन कहता है वहां से भीष्ममेवा भिरक्षन्तु, आप सब भीष्म का रक्षण करो, भवन्तु सर्व एव हि, सर्व आप भीष्म पितामह का रक्षण करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। युद्ध के मैदान में यदि राजा आया हो तो राजा और उसके बाद सेनापति, ये कैसी साइकोलॉजिकल मैटर है। पानीपत के युद्ध में भी कहते हैं विश्वास राव को तीर लगा, पेशवा के बेटे थे विश्वास राव, विश्वास राव को तीर लगा ये देख के पूरे सैन्य में हड़कंप मच गई, हमारा सेनापति घायल हो गया, हमारा सेनापति घायल हो गया, और सब योद्धाओं का बल कहां अदृश्य हो गया पता नहीं। ये जो नेता होता है, सेनापति होता है, राजा होता है, वो क्यों होता है ये समझने की बात है। 1945 तक जिस जर्मन आर्मी ने पूरे यूरोप को कैप्चर कर लिया था, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने गोली मार दी, सुसाइड किया, क्या हो गया पूर्ण आर्मी का, कहां गया वो आर्मी का बल, ये समझ रहे हैं हमें, एक व्यक्ति वो सारी आर्मी का बल था, वो व्यक्ति चला गया और कहां गई सारी नाजी आर्मी, वी डोंट नो क्या हो गया, किसी के अंदर शस्त्र उठाने की हिम्मत नहीं रही। वैसा ही हुआ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का, 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में उनकी हत्या हो गई, और व्हाट हैपेंड टू द इंडियन नेशनल आर्मी, अकेले सुभाष बाबू युद्ध नहीं कर रहे थे, द आर्मी वॉज फाइटिंग, इतने हजारों सैनिक, पर सुभाष बाबू की जनरल की मृत्यु हुई, और ये आदमी का बल कहां चला गया, समझने की बात है। शक्ति है वो केवल हमारे बाजुओं में नहीं है, हमारे मन के अंदर है। सारी आर्मी की शक्ति कौन तब होता है, उसका जनरल, उसका लीडर होता है, उसका राजा होता है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंस उतना दिया गया है। हजारों का सैन्य, लाखों का सैन्य,
लेकिन जब उसका जनरल नहीं रहा तो क्या कहाँ गई शक्ति? ये लाखों सैनिकों की शक्ति कहाँ अदृश्य हो गई? पूरी नाजी पार्टी की शक्ति कहाँ अदृश्य हो गई जिस दिन हिटलर ने सुसाइड कर लिया? विश्वास राव को तीर लगा और दोपहर तक तो पानीपत की बैटल हार चुका थी मराठा सैनिक, और उसी उसी बैटल से पूरी तवारीख पूरी हिस्ट्री बदल गई भारत। कहते हैं पानीपत जीतने के बाद मराठा बंगाल जाने वाले थे, वहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल ने बंगाल जीत लिया था। ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने का उसके बाद प्लान था मराठा सैन्य का, बट दैट वाज डेस्टिनी ऑफ इंडिया कि विश्वास राव को आगे तीर लगता है और पानीपत की बैटल हार मराठा हार गए, और उससे पूरे भारत की हिस्ट्री तवारीख बदल गई और 200 साल तक उसके बाद ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया। तो ये समझना है हमें विश्व पितामह का रक्षण करने को क्यों कहता है दुर्योधन। ये हमारी शक्ति है, ये हमारा मेंटल पावर है। वैसे ही पांडवों का मानसिक शक्ति भगवान कृष्ण थे, जब तक वो खड़े हैं तब तक कुछ नहीं होगा, हमें हम अवश्य जीतेंगे। तो ये चीज हमारे मन में जब हम ईश्वर को प्रस्थापित करते हैं तब होता है, एक मेंटल पावर हमारे अंदर आता है, ईश्वर मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, मैया वेश मनोये माँ, मई अर्पण मनो बुद्धिर। भक्ति योग में केवल यही बात भगवान ने कही, तेरे मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दे, निवशिष्यसि मय्येव, तेरे मन और बुद्धि में मुझे निवेश कर, मुझे स्थान दे, भगवान को लीडर बनाओ जीवन का। समझो हमें तो कोई तलवार लेके बैटल फाइट नहीं करनी है, हमारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देंगे, उसे लीडर मानेंगे, उसे हमारा नेतर मानेंगे, तो हमारे अंदर कितनी शक्ति का संचार होगा, मानसिक शक्ति जो ये शरीर को दौड़ाएगा, ऐसी मानसिक शक्ति हमारे अंदर उद्भव होगी जब ईश्वर को हम ये देह समर्पित करेंगे। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझा कारणी देह माजा पड़ावा। कितना सुंदर कहा है, तुझा कारणी देह माजा पड़ावा, तेरे जीवन का देह तू है, तेरे लिए यदि मेरा देह भी जाए तो मुझे उसके लिए गम नहीं, तेरे लिए ये होना चाहिए। ऐसे धर्म से हम विमुख हो गए, हम रिएक्शनरी धर्म हो गया है हिंदुइज्म। किसी ने हमारा पर प्रहार किया तो ही हम खड़े होते हैं, वरना वी डोंट केयर भगवान है या नहीं मेरे जीवन में। सबके घर में भगवत गीता थी, कितने लोग ने खोली थी भगवत गीता? किसी ने नहीं। बाइबल सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई बुक है वर्ल्ड में, लेकिन सबसे कम पढ़ी हुई बुक होगी वही बाइबल, कोई खोलता ही नहीं है। कहने के लिए हम हिंदू है, कहने के लिए हम कैथलिक है, बट मुझे पता नहीं है हिंदू कौन है, पता ही नहीं है तो मैं कुछ करूंगा कैसे जो हिंदू को करना चाहिए। ये बात है, ये भ्रम है, इल्यूशनरी रिलीजन एक इल्यूशन हो गया हमारे मन में। मैं हिंदू हूँ क्यों? मेरे माता पिता थे। माता पिता को पूछो क्यों हिंदू है, वो कहेंगे मेरे माता पिता थे उसके लिए। बट हिंदुइज्म क्या है? मेरी इतनी पीढ़ी हिंदू है, बट हिंदू है क्या? ये तो समझो, राइट पर्सपेक्टिव ये समझ आनी चाहिए। जब समझ आएगी अपने आप सब क्लैरिटी आगे आने लगेगी, व्हाई आई एम हिंदू। और उसके बाद कितने भी प्रहार हो हमारे धर्म पे कुछ नहीं हो सकता, यदि हमारे मन के अंदर बिलीफ बैठ गई आई एम हिंदू एंड व्हाई आई एम हिंदू बिकॉज ऑफ दिस आई एम हिंदू, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदुइज्म। ये जो गुण, ये जो तत्व मेरे रिलीजन ने दिए हैं, अन्य किसी धर्म में ये देखने को नहीं मिलते। उदार चरितारम तू वसुदैव कुटुंबकम, इतनों ने कहा, सबने कहा अपना ही झंडा फहराओ, हमारा जो रिलीजन है वही सब जगह होना चाहिए। हिंदू धर्म ने कहा वसुदैव कुटुंबकम, तभी अपने कोई भी रिलीजन उसको फॉलो कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर वन बिग फैमिली, ये कितनी उदार भावना थी। ऐसे कितने गुण है हमारे धर्म के अंदर, वो हमें समझने चाहिए, वो हमें जानने चाहिए और हमारे अंदर आत्मसात करने चाहिए। देन वी आर करेक्ट, देन वी आर राइट। बाकी कुछ भी करे, परंपरा से मिले हुई क्रियाएं तो होती ही रहती है, व्रत तप जप तप करते उपवास करते ये सब चलता रहता है, लेकिन उसके पीछे की समझ और उसके पीछे का भाव
ये जब तक हम राइट पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे तब तक धर्म की ग्लानी होती रहे। मुझे पता ही नहीं है हिंदुइज्म क्या है तो मैं कैसे रक्षण करूंगा उसका। हाउ विल आई फेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय अदर्स अनलेस आई नो हिंदुइज्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। भगवान कृष्ण ने क्यों इतना कष्ट किया उसके जीवन में, राम ने क्यों इतने कष्ट सहन करके इतना उदार चरित्र, उदात चरित्र हमारे जीवन के सामने रखा। और वाल्मीकि ने लिखा, नारद ने कहा इनका चरित्र लिख क्यों, आने वाले हजारों पीढ़ियों को ये मार्ग दिखाता रहेगा। मनुष्य कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर एक संबंध की मर्यादा निभाई उन्हें, बेस्ट राजा, बेस्ट पुत्र, बेस्ट पति, बेस्ट एवरीथिंग, बेस्ट ब्रदर। लक्ष्मण के पीछे प्राण त्याग किए उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश करके। लक्ष्मण जी को जब मृत्यु दंड देना पड़ा राजा राम को, तो भ्राता राम उसके पीछे स्वयं मृत्यु प्राप्त किया उन्होंने। ये कितनी विडंबना थी उनके जीवन में, कितनी ड्यूअलिज्म था। एज अ किंग मृत्यु दंड देना है लक्ष्मण को, लेकिन एज अ भाई हाउ कैन आई लिव विदाउट लक्ष्मण, उसके पीछे प्राण त्याग करते हैं भगवान पर। ऐसे चरित्र दिखाओ मुझे अन्य धर्म में। ये सब बातें समझनी चाहिए हमें, दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए हिंदुइज्म, तभी हम सही हिंदू कहलाएं। और यही करने के लिए हमने ये यज्ञ आरंभ किया है वसुधैव कुटुंबकम, प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए कि हमारे पूर्वज, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म क्या कहकर गए, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलकर, जरूर हम सफल। आज समय समाप्त हो चुका है, 10:30 हो चुका है, तो इसी श्लोक पर हम समापन करते हैं। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे, तभी 12वें श्लोक से आगे हम चिंतन जारी रखेंगे। तो अब हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सत्संग समापन होगा, और यदि डिस्कशंस में किसी को पार्ट लेना है तो दे कैन स्टे बैक, और जिसको जाना है वो जा सकते। ॐ असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। 11